हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां पर हम लोग कहते हैं, ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी उसे शादी करना पड़ा, ना चाहते हुए भी हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, मैं चाहकर वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जहां पर हम लोग कहते हैं ना चाहते हुए भी, तो इस फ्रेज के लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं अनविलिंगली। अनविलिंगली, विलिंगली का मतलब होता है चाहकर। कोई काम चाहकर आप करते हैं तो विलिंगली लगाइएगा। अगर कोई काम चाह के नहीं करते हैं, ना चाहते हुए भी, इसका मतलब हुआ कि किसी काम को ना चाहते हुए भी आप उस काम को करते हैं, मन नहीं है वो काम करने का, लेकिन फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग अनविलिंगली वर्ड का यूज करेंगे। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में राइट करना पड़ेगा अनविलिंगली। एक बात याद रखिएगा, अनविलिंगली जो है एक एडवर्ब है। एडवर्ब को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंसेस के एंडिंग में या नहीं तो मेन वर्ब से पहले लगा सकते हैं। इसको थ्री पोजिशन में मीन्स तीनों जगह यूज कर सकते हैं। आपको जहां भी इच्छा हो इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। आपको ऊपर में स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। आपको जो है मैं एक सेंटेंस में सभी तरीके से बना के दिखा दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अनविलिंगली वर्ड को राइट करने के बाद आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना पड़ेगा। या नहीं तो पहले सेंटेंस लिखिए, उसके लास्ट में लगाइए अनविलिंगली, या नहीं तो पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर है तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा अनविलिंगली, और उसके बाद वर्ब, जो भी वर्ब लगेगा टेंस के अकॉर्डिंग टू, और लास्ट में अदर वर्ड्स को लिखेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, ना चाहते हुए मुझे वहां जाना पड़ा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा अनविलिंगली आई हैड टू गो देयर। अनविलिंगली आई हैड टू गो देयर, पहले अनविलिंगली लिखा, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस लिख दिया। इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई हैड टू अनविलिंगली गो देयर, आई हैड टू अनविलिंगली गो देयर। मेन वर्ब से पहले अनविलिंगली का मैंने यूज किया, या नहीं तो आप कह सकते हैं आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। तीनों सेंटेंस करेक्ट है। जैसी आपको मर्जी, जैसी आपकी इच्छा, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ना चाहते हुए भी हमें अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा अनविलिंगली वी आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश। अनविलिंगली वी आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश, इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वी आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश अनविलिंगली। अब यहाँ पर देखिए, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। कल ही मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया है, यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, ना चाहते हुए भी उसे शादी करना पड़ा। तो इस सेंटेंस के लिए क्या कहिएगा, अनविलिंगली ही हैड टू मैरी। अनविलिंगली ही हैड टू मैरी, भगवान करे किसी को ऐसा ना करना पड़े। अगर इसको ऐसे बोल सकते हैं, अनविलिंगली ही हैड टू गेट मैरिड। गेट मैरिड फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ना चाहते हुए भी मुझे सोशल मीडिया यूज करना पड़ रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे अनविलिंगली आई एम हैविंग टू यूज सोशल मीडिया। अनविलिंगली आई एम हैविंग टू यूज सोशल मीडिया। नेक्स्ट सेंटेंस, ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना होगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे अनविलिंगली आई हैव टू गो देयर। अनविलिंगली आई हैव टू गो देयर, आई का मतलब था आई विल हैव टू गो देयर। दोस्तों से जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट की जाती है कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।